हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सरूपा ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ ठीक हो, और मैं भी ठीक हूँ। आज संडे है, संडे का सुबह है। मैं अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता में बनाएंगे डोसा और चटनी बनाएंगे, और रात को इडली सांभर बना देंगे। और मेरा बेटी अभी मूंगफली खा रही है, तो चले पहले डोसा बना लेते हैं। मेरा काम भी हो गया, मैं सावर लेके भी आ गई। तो चलिए पहले मैं डोसा बना लेती हूँ। और डोसा बनाने के लिए जो चटनी बनाएंगे मूंगफली का, उसको मैं फ्राई करके रख दिया। और डोसा का जो पेस्ट होता है ना, डोसा का थोड़ा पतला होता है, आप सभी को पता है कि पतला होता है। और इडली के लिए थोड़ा गाढ़ा होना पड़ता है। मूंगफली मांग रही है बेटी, तो अभी एक दिया था हाथ में छोटा छोटा, जैसे वो रैबिट नहीं खाते है, बस वो ऐसे ही खाती है मूंगफली को भी, थोड़ा 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 लेके खाती है। तो चलिए पहले मैं डोसा बना लेती हूँ। लेट भी हो गया है, संडे है तो लेट, सुबह से ही लेट लेट ही चलेंगे। तड़का लगाया था चटनी, तब आप सभी से बात नहीं कर पाया। और चटनी तड़का लगाने के लिए मैं कढ़ाई में रिफाइन ऑयल डाला था, 2 चम्मच रिफाइन ऑयल डाला था। और करी पत्ता डाल दिया था, थोड़ा तेल गर्म हो जाए उसी टाइम करी पत्ता डाल देना है। और ज्यादा गर्म हो जाए उस टाइम करी पत्ता डालो तो एकदम काला हो जाता है, जल जाता है करी पत्ता। और सूखा मिर्ची डाला था। बस तीनों चीज को अच्छे से फ्राई कर लिया, करी पत्ता और राई और सूखा मिर्ची तीनों एक साथ फ्राई करके फिर मैं मूंगफली डाल दिया था। और मूंगफली जब मैं मिक्सी में पेस्ट बनाया था, तब तो हरा मिर्ची डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। बस ज्यादा पतला नहीं बनाया, गाढ़ा ही बनाया। तो चटनी का तड़का मैंने लगा दिया, डोसा भी बन गए। तो मेरे हस्बैंड को भी नाश्ता दे दिया, बेटा को भी दे दिया। हम अभी नाश्ता करके फिर आप सबसे बात करते, क्योंकि मुझे लंच का तैयारी भी करना है। अभी नाश्ता कर लेते पहले। मैं नाश्ता करके आ गई, अभी मुझे पहले लंच की तैयारी करना है। लंच में बनाएंगे मछली चावल बनाऊंगी, आज मछली बनाऊंगी। और रात के लिए सांभर और इडली बनाएंगे, तो अभी सांभर में बना के रख दूंगी। और अभी सांभर पहले कुकर में दाल को सीटी लगा लेते हैं, मतलब दाल उबाल के रख देते हैं, फिर तड़का लगाएंगे। और मछली अभी तक ऐसे ही रखा है, कुछ किया नहीं है। अभी मछली पहले धो लेते हैं और नाश्ता का बर्तन भी धो लेते हैं और मछली भी सफाई कर लेती हूँ। फिर सब्जी काटना है, सब्जी में वही है सांभर का सब सब्जी चाहिए, वो काट लेंगे। तो पहले सब कुछ काट कूट के काट लेते हैं, फिर अब सबसे बात करते हैं। अभी मेरा बेटी नहा धो के आ गई है, अभी इसका पार्सल आया। पार्सल में पता है क्या है? ये एक बैग है, एक खरगोज कैरेट खा रही है, और ये मोटू पतलू। ये रात को 11 बजे भाई के पास जाके ऑर्डर किया, मोबाइल ऐसे ही खोलते खोलते कुछ आ गया होगा मीशो पे, और तुरंत भाई के पास गया, बोला ऑर्डर भाई ऑर्डर। तो ऑर्डर किया ये, देखो आप सबको दिखा रही है मोटू पतलू। बोलो, हाँ बोलो, एक खरगोश बोलो। हाँ, अरे मेरा बैग, ये मेरा बैग है। थोड़ा डांस करके दिखा दो, डांस करके दिखा दो। कोई भी चीज जैसे मोबाइल ऑन करो कुछ शॉपिंग करने के लिए, कोई भी चीज देखते हैं ना, कपड़ा बहुत पसंद है, तुरंत बोलते हैं पापा नया कपड़ा ऑर्डर। दिखा रही है, देख लिया देख लिया दोस्त, देख लिया। मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। अभी बेटी को पहले सेरेलैक्स खिला के, मतलब सेरेलैक्स पिला देती हूँ, फिर सो जाएगी। और इसका खिचड़ी बना के रखूंगी, हमेशा बना के रखती हूँ। और मछली मैं बनाऊंगी, जैसे बनाऊंगी मछली आप सभी को बताएंगे। हमारा बंगाली में ना मछली आलू डाल के बनाते हैं, तो आलू डाल के बनाएंगे। और सजना फली है, तो मैं आलू और सजना फली के साथ मछली बनाऊंगी। और सांभर बना के रखेंगे, इसको भी सुला देते हैं। खुश हो गई, अभी बैग बार बार लेके घूमेगी। अभी ये पता है, पूरा सामान लेके फिर सोएगी, ऐसे नहीं सोएगी ये,
बिस्तर के पास पूरा सामान रखना पड़ेगा, फिर जाके सोएगी है। हाँ मोटू पतलू, मैं आ गई किचन में। अभी मछली फ्राई करने के लिए रख दिया, मछली फ्राई हो रहा है और मछली का सब्जी भी मैं काट लिया। सब्जी कुछ नहीं, आलू और वही है सजना फली, ये ले लिया सजना फली, अरे आलू है। और मछली जैसे फ्राई हो जाए, जैसे मछली फ्राई हो जाए उसके बाद मछली उठा के रखेंगे और तेल में जीरा डालूंगी। जीरा के बाद सजना फली आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और मसाला डालूंगी, अदरक जीरा टमाटर का प्यूरी बना लेंगे, वो ये मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे फिर डाल देंगे। पहले मैं मछली फ्राई कर लेती हूँ, एकदम चटरपटर हो रहा है तेल। हो गया मछली फ्राई, अभी मैं पहले मसाला बना लेती हूँ। और मेरा एग्जॉस्ट नहीं चल रहा है, पर पूरा रूम धुआं धुआं हो गया है, बिना एग्जॉस्ट का काम भी नहीं चलता ना। किचन छोटा के वजह से ना एग्जॉस्ट ऑन करना बहुत जरूरी है, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं चल रहा है। बेटी का खिचड़ी बताया था इंडक्शन में, वो तेल में जीरा डाल दिया, अभी ये सजना फली आलू फ्राई कर लेती हूँ। मसाला अच्छे से भून गया, अभी मैं पानी डाल देती हूँ। और अदरक जीरा टमाटर का पेस्ट बनाया था और लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला, मैं डालती हूँ वो जब मैं अलग से बनाती हूँ तब डालती हूँ। जैसे मछली का कलिया बनाऊ, मछली मतलब मसाला मछली बनाऊ तब मैं डालती हूँ, राई भी डालती हूँ, लेकिन इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें आलू और वो है सजना फली, तो उसमें पतला ही अच्छा लगता है। मैं पानी डाल दिया, कम ही डालूंगी पानी, ज्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि सांभर भी बन रहा है तो कम डालेंगे। मछली जैसे बन जाए ना उसके बाद में सांभर तड़का लगा लेंगे। चावल मेरा बन गया है और बेटी का खिचड़ी भी बन गया, बस खाली सांभर बनाना है। और मेरे किचन में जितना बर्तन था वो भी मैंने धो दिया, अभी कुछ भी नहीं है, बस खाली सांभर तड़का लगा के कढ़ाई धोना है, सब कुछ कर दिया। लेकिन बाहर कपड़ा भी बहुत है, कल मौसम खराब था ना शाम को, तो अभी धूप आ रहा है और जा रहा है, नहीं तो इतना टाइम कपड़ा लेके मेरा फोल्ड भी हो जाता है। और ना आज मैं सांभर में इमली डालूंगी, थोड़ा खट्टा बनाएंगे क्योंकि बेटी का खिचड़ी में अलग से बना लिया तो बेटी खाएगी नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए ना खट्टा अच्छा नहीं होता है, दूध पीते हैं तो एकदम पेट में जाके मतलब छेना बन जाता है बोलते हैं, मुझे नहीं पता जो भी है। और पहले मैं सांभर तड़का लगा लेती हूँ और मछली जैसे बन जाए फिर आप सभी को दिखा देते हैं। मछली में ना थोड़ा गर्म मसाला डाल देती हूँ क्योंकि मसाला कुछ भी डाला नहीं था, थोड़ा गर्म मसाला डाल देते हैं, बस हो ही गया मछली। मछली बन गया, मैं आप सभी को दिखा देते हैं। फिर फट से तड़का लगा लेती हूँ, सांभर का देर बज गया अभी, पहले मैं मछली दिखा देती हूँ आप सभी को। मछली डाल लिया इसमें, हो गया, अभी मैं सांभर तड़का लगा लेती हूँ। ना लंच के बाद मेरा बर्तन धुल गया, सब हो गया, लेकिन अभी भगवान का बर्तन ऐसे ही पड़ा है, बाद में धुलाई करेंगे। और अब मैं तैयार हो गई, तैयार ऐसे कुछ नहीं, मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, अभी जा रही हूँ मार्केट, जा रही हूँ थोड़ा मार्केट घूम के आते हैं, संडे है तो कोई मौका नहीं छोड़ना मार्केट घूमने का। अभी मैं आम काटा था तो मैं आम खा ही रही हूँ, थोड़ा सा बचा है आम खा के चलेंगे, फिर अभी आके आप सबसे बात करूंगी। अभी मेरा बेटा पता है ये क्या कर रहा था, कुछ भी करता है ये, इतना 9th क्लास में है, इतना बड़ा हो गया लेकिन वो कुछ भी कर लेता है। तो चलिए पहले मैं मार्केट घूम के आती हूँ फिर बात करती हूँ, क्योंकि बेटी को सुला दिया तो जब तक सोएगी तब तक मैं घूम के आ जाऊंगी, हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, घूम के आ जाएंगे और बेटा है देख लेगा, आके बात करती हूँ। आम खा रही हूँ मैं अभी, मैं अभी मार्केट से आ गई और मार्केट में मैं इसीलिए गई थी क्योंकि मेरा बेटा का बर्थडे आने वाला है, तो मैं बर्थडे सामान लेने गए थे। और ये सामान मतलब शॉपिंग करने गए थे उसका कपड़ा लेने के लिए, ये पैंट है और ये टी शर्ट है, ऐसे मैं दो लेके आया, दो पैंट दो टी शर्ट, क्योंकि वो जीन्स पसंद नहीं करते, ये पैंट और ये एक,
और ये टी शर्ट है, और भी सामान लेके आया, वो घर का सामान है, मतलब किचन का सामान है, वो बिस्किट का पैकेट, और इसमें है दाल, राजमा, पापड़, ये सब लेके आया। और अभी मैं आ गई, बहुत गर्मी लग रही है। मेरा बेटा भी बहुत हंसा रहा है, पता नहीं क्यों, हर बात हंसाता ही है। और ना मेरा बेटा का ना दो पैंट और दो टी शर्ट लेके आया, और बेटी का एक ड्रेस लेके आया, बस उसमें बहुत खुश रहना है अभी। ठीक है, अभी चलो पहले दोस्त का घर से घूम के आते हैं। बेटी का भी लेके आया, ये जीन्स है और इसके साथ एक टॉप है। इसका कलर जितना मतलब लाइट दिखाई दे रहा है उतना नहीं है, सही लग रहा है, क्योंकि मोबाइल में बहुत लाइट दिखाई दे रहा है। और लेके आ गए, सब कुछ हो गया, अभी मैं भगवान का बर्तन है वो धो देते। और दूध लेके आया, ये हम ही लेके आया आते टाइम, दूध को रख देती हूँ। और अभी जा रही हूँ कोई सहेली का घर में, थोड़ा घूम के आते, और मेरा हस्बैंड का दोस्त है तो उनका घर में घूम के आते, और रात को इडली सांभर बनाएंगे, इडली खाएंगे, तो इडली बनाऊंगी नहीं तो डोसा बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी आप सभी से शेयर करूंगी। सांभर तो बना ही लिया, क्या शेयर करना है, बस जो नाइट में खाएंगे वो बताएंगे। आज से मेरा वीडियो डेली का ब्लॉग डेली नहीं जाएंगे, आज का ब्लॉग कल जाएंगे, कल का परसों जाएंगे, ऐसे होगा, क्योंकि मेरा बेटा का स्कूल खुल गया तो डेली का ब्लॉग डेली नहीं दे सकती हूँ। तो आज जो बनाएंगे कल जाएगा, कल जो बनाएंगे परसों जाएगा, मैं सुबह छोड़ूंगी, 7:30-8 बजे तक जाएगा, जो शाम को जाता था 7:30-8 बजे वो अभी सुबह जाएंगे। तो चलिए मैं पहले दोस्त का घर से घूम के फिर आप सबसे बात करती हूँ। अभी मैं आ गई, आके अभी मैं बना रही हूँ डिनर, और इसका पहले आप सभी को कर देते बाय, फिर मिलेंगे कल सुबह एक नया वीडियो के साथ। और लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप सभी के पास पहुंच जाए। और अभी के लिए बाय बाय, मैं अभी डोसा बना रही हूँ, बहुत लेट हो गया है।